हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आइडियाज़। आई एम दानिश जमील। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ ऑर्डिनो के बारे में कि हमारा ऑर्डिनो क्या होता है, इसके थ्रू हम लोग किस टाइप के प्रोजेक्ट बनाते हैं, किस टाइप के प्रोजेक्ट बना सकते हैं, वो मैं आज आपको डिस्कस करूँगा। और बेसिकली मैं आज इसके बेसिक के डिस्कस करूँगा कि क्या होता है हमारा ऑर्डिनो और इसके बेसिक जितने भी यहाँ पर कॉम्पोनेंट हैं, जितने भी पिन यहाँ पर हैं, इन सब के क्या पिन के फंक्शन हैं, वो मैं आज डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, और इससे जो रिलेटेड प्रोजेक्ट है, जो प्रोग्रामिंग है, मैं इसके अगले वीडियो में प्रोवाइड कराऊँगा और हर एक प्रोजेक्ट को मैं प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा और किस तरीके से किया गया है वो मैं सब आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे काइंडली रिक्वेस्ट करूँगा कि वो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब आप बेल आइकन को क्लिक करते हैं तो मेरे आने वाली अगली लेटेस्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस टॉपिक को। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक ऑर्डिनो लिया है। इस ऑर्डिनो का मॉडल है ऑर्डिनो यूनो R3, जैसा कि आप यहां पर बैक साइड पे देख सकते हैं, मॉडल लिखा हुआ है ऑर्डिनो मॉडल ऑर्डिनो यूनो R3 यहां पर लिखा हुआ है। ये एक मॉडल है ऑर्डिनो का। ऑर्डिनो के बहुत टाइप के वेरिएंट आते हैं, जैसे कि हमारा ऑर्डिनो यूनो R3 है, ऑर्डिनो मेगा है, ऑर्डिनो नैनो है, ऑर्डिनो माइक्रो है एंड ऑर्डिनो लिली है। बेसिकली ये क्या है, ऑर्डिनो यूनो R3 जो है वो बेसिकली बहुत ही सिंपल है और ईजी वे में इस पर प्रोग्राम कर सकते हैं और इसे ईजी में यूज़ कर सकते हैं, इसलिए ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाता है। इसमें क्या है कि नंबर्स ऑफ पोर्ट आप देख रहे होंगे, नंबर्स ऑफ पिन देख रहे हैं। यहाँ पर क्या है, बेसिकली एक माइक्रो कंट्रोलर जो जिसमें कि हम लोग प्रोग्राम सेट करते हैं, इस माइक्रो कंट्रोलर में, ये जो माइक्रो कंट्रोलर है वो यूज़ किया गया है ATmega328। कहने का मतलब ये है कि ये 32 KB की मेमोरीज इसमें है एंड 8 बिट पर ये वर्क करता है। ATmega इसलिए कहा गया है क्योंकि ATmega एक कंपनी है जिसने इस माइक्रो कंट्रोलर को बनाया है, इसलिए यहाँ पर ATmega328 को 8 बोला जाता है, ठीक है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक पावर सप्लाई है। इस पावर सप्लाई का काम ये होगा कि ये इस ऑर्डिनो को पावर प्रोवाइड कराएगा। यहाँ से हम लोग 12 वोल्ट की इनपुट देते हैं, 12 वोल्ट की इनपुट देंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये पावर सप्लाई इस ऑर्डिनो में प्रोवाइड होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक वोल्टेज रेगुलेटर लगा है। इस वोल्टेज रेगुलेटर का वर्क ये होगा कि इस 12 वोल्ट को ये क्या करेगा, 5 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा और पूरे सर्किट को प्रोवाइड कराएगा। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक आपको पोर्ट दिख रहा होगा, ये पोर्ट जो है वो इस डाटा केबल के थ्रू कनेक्ट होता है और लैपटॉप में कनेक्ट करते हैं, जिससे कि हम लोग प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि हम लोग जो प्रोग्राम इंस्टॉल किए हैं वो एक प्रोग्राम लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज है, तो उस लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमने एक IC यूज़ किया है। ये IC आप देख रहे हैं, ये IC कहलाता है सीरियल पोर्ट IC। ये IC क्या करता है, इसके लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और अगर जस्ट सपोज अगर मशीन लैंग्वेज को अगर सिस्टम लैंग्वेज में कन्वर्ट करना हो तो ये IC वैसे वर्क करता है। जैसे हमने यहाँ पे प्रोग्राम डाला तो ये माइक्रो कंट्रोलर एक मशीन है, तो मशीन के लैंग्वेज में वर्क करेगा, तो इसे मशीन लैंग्वेज में इसे समझाता है और ये वापस से फिर अगर आपको सिस्टम में करना हो तो वो सिस्टम से, मतलब कि अपने मशीन लैंग्वेज से सिस्टम लैंग्वेज में भी बताता है। तो ये हमारा होता है सीरियल पोर्ट IC कहलाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, दो कैपेसिटर भी यूज़ किया गया है। ये कैपेसिटर माइक्रो कंट्रोलर के लिए यूज़ किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये क्रिस्टल ऑक्सीलेटर है। ये क्रिस्टल ऑक्सीलेटर है जो कि हमारा 16 MHz है, 16 MHz। और क्रिस्टल ऑक्सीलेटर का मतलब ये है कि ये इस माइक्रो कंट्रोलर का एक तरीके से हार्ट है। अगर मैं इस क्रिस्टल ऑक्सीलेटर को हटा दूं तो माइक्रो कंट्रोलर या फिर ये ऑर्डिनो कह दें तो ये ऑर्डिनो हमारा वर्क नहीं करेगा, क्योंकि क्रिस्टल नहीं होगा तो माइक्रो कंट्रोलर वर्क नहीं करेगा और माइक्रो कंट्रोलर नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, ये ऑर्डिनो वर्क नहीं करेगा। तो जो हमारा क्रिस्टल ऑक्सीलेटर है वो बेसिकली एक हार्ट है इसके लिए, माइक्रो कंट्रोलर के लिए। अगर क्रिस्टल ना हो तो ये वर्क नहीं करेगा। 16 MHz का मतलब ये है कि ये जो माइक्रो कंट्रोलर है 1 सेकंड के अंदर में 16 MHz फंक्शन परफॉर्म करेगा, 16 MHz परफॉर्म करेगा। ये क्रिस्टल ऑक्सीलेटर पे डिपेंड करेगा, यानी कि ये इसको स्पीड भी प्रोवाइड कराता है। दूसरी बात कर लें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नंबर्स ऑफ LEDs लगे हुए हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो फर्स्ट वाली LEDs है ये ऑन LED है, यानी कि पावर LED है। जैसे ही आप इसे पावर प्रोवाइड कराएंगे तो ये LED ग्लो करेगा, यानी कि हमारा सर्किट पे, यानी कि जो हमारा ऑर्डिनो है उसमें पावर जैसे ही प्रोवाइड होगा ये LED ग्लो करने लगेगा। दूसरी LED जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो LED है जैसे ही आप इसमें प्रोग्राम इंस्टॉल करेंगे तो ये LED ब्लिंक करेगा।
ब्लिंक करेगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं दो एलईडी और प्रोवाइड है, ये दो एलईडी कहलाता है टीएक्स और आरएक्स। टीएक्स का मतलब होता है ट्रांसमीटर। जैसे ही इस ऑर्डिनो का ट्रांसमीटर वाला टर्मिनल, अगर ट्रांसमीटर वाला पोर्ट अगर वर्क करेगा तो ये ट्रांसमीटर वाला पोर्ट अगर वर्क करेगा तो ये ट्रांसमीटर वाली एलईडी ब्लिंक करेगी, और जैसे ही रिसीवर वाला पोर्ट वर्क करेगा तो रिसीवर वाली एलईडी जलेगी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्विच प्रोवाइड किया गया है। ये स्विच क्या है, रीसेट करने के लिए प्रोवाइड किया गया है। इस ऑर्डिनो को इनिशियलाइज करने के लिए, रीसेट प्रोवाइड करने के लिए ये स्विच प्रोवाइड किया गया है। तो दोस्तों अब डायरेक्टली मैं चलता हूँ यहाँ पर, इसके जो पोर्ट हैं इनके सारे फंक्शन क्या हैं, जितने भी पिन्स हैं, नंबर ऑफ पिन्स, इन नंबर ऑफ पिन्स के फंक्शन क्या है मैं वो बताता हूँ अब। पहला कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो पोर्ट है, बेसिकली यहाँ पर अगर पोर्ट की बात करें तो नंबर ऑफ पोर्ट जो है, नंबर ऑफ जो पिन्स यहाँ पर पोर्ट पर अगर बात करें तो ये फर्स्ट एरिया, सेकेंड एरिया एंड थर्ड एरिया यानी फोर्थ एरिया, यहाँ पर चार एरिया में नंबर ऑफ पिन प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो फर्स्ट वाला है उसे हम लोग पावर कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है पावर। पावर का मतलब नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर कुछ पावर ही प्रोवाइड किया जाएगा। तो जैसे यहाँ पर क्या है, हमें अगर यहाँ पर आप फर्स्ट वाले पिन को यहाँ पर आप देखें, इस वाले पिन पर अगर बात करें तो ये वाला जो पिन है यहाँ पर आप देख सकते हैं वी इन यानी कि वी इनपुट। आप अगर ना चाह अगर चाहते हैं कि हम यहाँ से पावर को प्रोवाइड ना करें, यहाँ से करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी पावर को प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद जो दो ऊपर वाले पिन हैं ये दोनों पिन ग्राउंड हैं, एंड जो उसके ग्राउंड के ऊपर वाले पिन हैं ये +5 वोल्ट हैं, एंड उससे ऊपर 3.3 वोल्ट हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि जब मैंने यहाँ से पावर प्रोवाइड कर दिया तो यहाँ पर भी 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, दो ग्राउंड पिन और एक वी इनपुट पिन देने की क्या ज़रूरत है। ज़रूरत यह है कि अगर जस्ट सपोज दैट अगर आप मोटर को रन करा रहे हैं तो मोटर को अगर वो 5 वोल्ट की मोटर है तो आप बेसिकली यहाँ से 5 वोल्ट ही प्रोवाइड कर दें, उसके लिए कोई अलग सोर्स आपको ना प्रोवाइड कराना हो, इसलिए यहाँ पर 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट दिया गया है ताकि आप अलग से प्रोवाइड ना कर सकें, ना करें, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। इससे आपका क्या होगा कि जो पावर प्रोवाइड कराने का जो कॉस्ट है वो बच जाएगा और ऑर्डिनो खुद ही पावर प्रोवाइड करा देगा। अगर आप यहाँ से देते हैं तो उसके इस वाले पिन से 5 वोल्ट प्रोवाइड होगा और इस वाले पिन से हमारा कितना होगा 3.3 वोल्ट प्रोवाइड होगा। उसके बाद उसके ऊपर अगर पिन की बात करें तो ऊपर वाले पिन जो हमारे हैं रीसेट पिन है। अगर आप चाहते हैं एक अलग से रीसेट स्विच लगाना चाहते हैं तो इस वाले पिन के थ्रू आप रीसेट स्विच लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं उसके नीचे वाले जो पार्ट हैं, एरिया हैं, ये कहलाते हैं एनालॉग इनपुट आउटपुट, और ये पूरे 0 से लेकर के 13 तक कहलाते हैं डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन कहलाते हैं। जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एनालॉग इनपुट या कोई भी एनालॉग आउटपुट यहाँ पे ले सकते हैं, या फिर एनालॉग इनपुट दे सकते हैं या फिर एनालॉग आउटपुट यहाँ से ले सकते हैं। वो आपके प्रोग्रामिंग पे डिपेंड करेगा कि आपने किस नंबर वाले पिन से आउटपुट लिया है, किस नंबर वाले पिन से आउटपुट लिया है और किस नंबर वाले पिन को इनपुट दिया है। यहाँ पर अगर बात करें कि एनालॉग इनपुट अगर प्रोवाइड कराना हो तो हम लोग सोचते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा इक्विपमेंट है जो हमें एनालॉग में डाटा देता है। जैसे कि अगर मान लिया जाए, अगर बात करें हम, जैसे कि अगर रेन वाटर सेंसर की बात करें तो वो एक इनपुट है और वो एक डिजिटल इनपुट है, ना कि एनालॉग इनपुट है। जैसे कि हम स्विच की बात कर लें तो स्विच हमारा जो है वो एक तरीके से डिजिटल इनपुट है, ठीक है, वो एनालॉग इनपुट नहीं है। एनालॉग इनपुट में जैसे कि आपके आते हैं प्रेशर सेंसर, जो प्रेशर सेंसर होते हैं वो एनालॉग इनपुट आपको प्रोवाइड कराता है। तो आपको जैसे प्रेशर सेंसर को अगर कनेक्ट करना होगा तो आप एनालॉग वाले एरियाज पे कनेक्ट करेंगे, 0 यानी कि A0 से लेकर के A5 के बीच में आप कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा एनालॉग इनपुट का एग्जांपल है टेम्परेचर सेंसर, जो कि हमें क्या करता है, टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं एक जो टेम्परेचर सेंसर होता है वो LM35 करके नाम करके आता है। वो भी एक जो टेम्परेचर सेंसर है वो भी एनालॉग इनपुट प्रोवाइड कराता है, एनालॉग आउटपुट देता है। तो आप इसको यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं, एनालॉग आउटपुट देता है वो, ठीक है। तो जैसा कि आप एक और नाम से बहुत ही आप उसे जानते होंगे, जिसे LDR कहते हैं। LDR हमेशा हमें एनालॉग आउटपुट देता है, कभी भी वो डिजिटल आउटपुट नहीं देता है, एनालॉग आउटपुट देता है। इसलिए उस LDR को भी मैं यहाँ ही कनेक्ट करूंगा। उसके बाद बात आता है कि हमारा डिजिटल, जैसे कि अगर आपको डिजिटल में अगर कराना हो इनपुट आउटपुट तो आप इस वाले एरियाज पे कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि 0 से लेकर के 13 तक आप प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे थे ना कि यहाँ पर भी दो ग्राउंड आपको प्रोवाइड किया गया है, बेसिकली यहाँ पर भी आपको एक ग्राउंड प्रोवाइड किया गया है इस नंबर वाले पिन पे, यानी कि 13 से जस्ट ऊपर।
जीरो वाले पिन से लेकर के 13 के पिन पे कहीं पर भी आप कोई भी डिजिटल इनपुट आउटपुट कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि जीरो वाली जो पिन है वहाँ पर RX लिखा है, मतलब कि आप इसको क्या कर सकते हैं, रिसीवर की तरह यूज़ कर सकते हैं और ट्रांसमीटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये रिसीवर और ट्रांसमीटर के लिए ही डिफाइंड किया गया है। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप यहाँ पर रिसीवर और ट्रांसमीटर नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको डिजिटल इनपुट आउटपुट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे रिसीवर और आउटपुट की तरह भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि इसके साथ आर्डिनो के साथ आप जैसे मॉड्यूल कनेक्ट करके रखे हैं, तो आप यहाँ पर डिजिटल आउटपुट का या इनपुट का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिजिटल मॉड्यूल जो होगा वो RX और TX से कनेक्टेड होता है। तो आपको उस वक्त पे क्या करना होगा कि इस 2 वाले पिन से लेकर के 13 वाले पिन तक आपको डिजिटल इनपुट आउटपुट कनेक्ट करना होगा। डिजिटल इनपुट की अगर बात करें कि डिजिटल इनपुट जो हमारा है, जैसे कि इनपुट की अगर बात कर लें, अगर इनपुट में बात करें क्या क्या है, जैसे कि हमारे इनपुट में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया एनालॉग में भी इनपुट बात कर लें, पहले इनपुट की ही बात कर लें कि कौन से वेरिएबल कौन कौन से हमारे कंपोनेंट हैं जो इनपुट हमें प्रोवाइड कराता है। जैसे कि मैंने प्रेशर सेंसर पहले बता दिया, ठीक है, वो LDR है हमारा, LM35 टेम्परेचर सेंसर है। और इनपुट की अगर बात करें जो डिजिटल में प्रोवाइड कराता है, तो हम एक सिंपल सा भी ले सकते हैं स्विच। स्विच एक बहुत ही बेसिक इनपुट है, बहुत ही बेसिक इनपुट है। जैसे कि हम लोग जानते हैं स्विच एक इनपुट की तरह वर्क करता है। और उसके बाद और बात करें तो रेन वाटर सेंसर, जो कि हमें वाटर की जो रेन होती है, बारिश होती है, उसको सेंस करके बताता है कि हमारा रेन हो रहा है, बारिश हो रही है, या फिर एक्सेलेरोमीटर है, ह्यूमिडिटी सेंसर है, ठीक है, ये सब जितने भी हैं, या फिर PIR सेंसर है, ये सब टाइप के जो सेंसर हैं वो हमें इनपुट की तरह यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पर। अब आउटपुट की बात करें, आउटपुट क्या है, सबसे बेसिक एग्जांपल है आउटपुट का LED। आप क्या कर सकते हैं, आउटपुट में LED लगा करके ग्लो करा सकते हैं, बजर कनेक्ट कर सकते हैं, मोटर कनेक्ट कर सकते हैं, ये सब आउटपुट हैं आपके। या फिर आप बात कर दें कोई भी एक डिस्प्ले कनेक्ट कर दें यहाँ से आउटपुट की ओर, तो हमारा वो क्या होगा, डिस्प्ले जलेगा, डिस्प्ले ग्लो करेगा। तो यहाँ पर क्या आउटपुट के साइड पर आप कर सकते हैं, इन दोनों ही पिन को, या फिर एनालॉग हो या डिजिटल हो, दोनों ही पिन को आप इनपुट और आउटपुट के तरह भी प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 0 से 13 पिन पे आप कभी भी कहीं पर भी डिजिटल इनपुट आउटपुट प्रोवाइड करा सकते हैं। जस्ट सपोज दैट अभी मेरे को क्या करना होगा, अगर मैं बात करूँ कि अगर मेरे को क्या करना है, सिंपली एक स्विच लेना, अगर आप तो क्या कर सकते हैं, सिंपली एक स्विच लेकर के बैटरी के थ्रू आप LED को ग्लो करा सकते हैं। जैसे कि आप ग्लो करा सकते हैं, अगर मैं बैटरी को स्विच और स्विच को अगर LED से तीनों को आपस में कनेक्ट कर दूँ और मैं जैसे ही स्विच को प्रेस करूँगा तो हमारा LED ग्लो करेगा। तो आप वहाँ पर वैसे ना करके आप इस Arduino का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको सिंपली एक प्रोग्राम लिखना होगा कि जैसे ही मैं स्विच को प्रेस करूं, यानी कि इफ़ प्रेस स्विच देन बल्ब इज ग्लो, यानी कि आपको जैसे ही प्रोग्राम करके आप इसमें इस केबल के थ्रू आप कंप्यूटर में कनेक्ट करके आप जैसे ही इसमें प्रोग्राम इंस्टॉल करेंगे तो जो भी प्रोग्राम होगा इस माइक्रो कंट्रोलर में सेट हो जाएगा और आप क्या करेंगे कि इसके आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्विच कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक LED कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप स्विच को प्रेस करेंगे तो ये माइक्रो कंट्रोलर उस प्रोग्राम पे जाएगा, प्रोग्राम को रीड करेगा कि हमें यहाँ क्या प्रोग्राम दिया गया था, क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि जैसे ही स्विच को मैं प्रेस करूँ वैसे ही बल्ब ग्लो करे। तो जैसे मैं प्रेस करूँगा तो वो अपना प्रोग्राम रन करेगा और बल्ब को ग्लो करेगा। इस तरीके से आप बहुत तरह के प्रोग्राम कर सकते हैं, LED ब्लिंक कर सकते हैं, बहुत तरीके के प्रोग्राम होते हैं। जैसे कि मैंने पहले अभी बनाया है एक ATM सिक्योरिटी सिस्टम बनाया है, जैसे उसमें क्या है कि उसमें भी मैंने इसी Arduino का यूज़ किया है, उसमें इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा कि किस तरीके से बनाया गया है। उसमें मैंने क्या किया है कि सिंपली जैसे ही कोई ATM को टैम्परिंग करता है, ATM को कोई हंटिंग करने की कोशिश करता है, तो क्या होता है, सेंसर क्या करता है, वाइब्रेशन सेंसर उसके वाइब्रेशन को सेंस करता है, सेंस करने के बाद वो इस Arduino को देता है। Arduino पे प्रोग्राम किया गया है कि जैसे ही सेंसर हमारा कोई भी एक्टिविटी को सेंस करता है, वाइब्रेशन को एक्टिविटी को सेंस करता है, तो क्या हो कि हमारा शटर ऑटोमेटिक लॉक हो जाए। ये सारे इसके वर्क हैं, ऑटोमेटिक लॉक हो जाए। ऑटोमेटिक लॉक होने के बाद अब क्या हुआ कि मैंने इस RX और TX से GSM मॉड्यूल को कनेक्ट किया है, तो वो GSM मॉड्यूल को प्रोग्राम बोलेगा कि अब तुम क्या करो, मैसेज सेंड करो। जिसके भी मैंने वहाँ पे नंबर प्रोग्राम में डाले होंगे वो GSM मॉड्यूल क्या करेगा, उस नंबर पे मैसेज करेगा। मैसेज करने के बाद जितने भी जो जिनके पास मैसेज गया होगा वो आएंगे और एक पासवर्ड के थ्रू, जैसे ही वो पासवर्ड इंटर करेंगे इसके ऊपर, तब क्या होगा, ऑटोमेटिक सेटर ऑन होगा। ऑटोमेटिक सेटर ऑन होने के बाद क्या होगा कि मैं इजिली उसे कैच कर सकता हूँ। इस तरीके से आप बहुत तरह के प्रोजेक्ट इस पर आप बना सकते हैं। तो दोस्तों इसके जितने भी टाइप के प्रोजेक्ट होंगे मैं वो सब आपको प्रोवाइड कराऊंगा। दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी और ये भी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।